प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर पत्रकार महवेश नाज़ को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे विवाह इमरान, और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारतीयों के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यहाँ पर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। बस ये कहना नेपाल कब आ रही हो यार, मेरे बेटे को प्लान किया, लेकिन नहीं, इसका ऑनेस्ट जवाब देती हूँ, नेपाल कब आ रही हूँ। मैंने बड़ी दफा प्लान किया, बड़ी दफा मेंटली सोचा है कि आई शुड लाइक विजिट आउट ऑफ कंट्री नाउ और फलां जगह पे जाकर डिफरेंट लोगों की राय लीजिए, स्पेशली इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली वजह ये होती है कि ड्यू टू कॉन्ट्रोवर्सीज या जो सिनेरियोज और जो क्लैशेज है ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सिनेरियो बहुत सारे स्टेप से गुजर के आप वहां तक पहुंच पाते हो, तो वो क्लियर नहीं हो पाते कभी। ऐसा ही है, और देखिए हाँ, जिंदगी रही जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो हालात वाकियात और मामलात हमें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक सीजन देखा है हीरा मंडी, पार्टीशन से पहले। तुमने देखा है महवेश पूरा कंप्लीट? लिटरली मुझे वो कल्चर बेसिकली पार्टीशन से पहले का कल्चर उन्हें दिखाया गया है, किस तरह जो अंग्रेज हैं उन वो मतलब बड़े सगीर पे या सब कॉन्टिनेंट पे किस तरह वो इन्फ्लुएंस रखते थे, और मतलब किस तरह हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तानी लोगों ने उनसे आज़ादी हासिल की, और किस तरह मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ी थोड़ी करके बताई गई, और हीरा मंडी का इसमें क्या रोल रहा है, और जिस तरह वो मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ कि जिस तरह मैंने वो मूवी देखी, और वो मतलब बहुत प्यारी, अगर तुमने स्टोरी सुनी है ना महवेश, उसको देखोगी और मतलब सुनने में और उसकी ड्रामास में या उसके एपिसोड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़बरदस्त से डायलॉग्स हैं और जिस तरह की उनकी एक्टिंग की हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की हुई है, और उस रोल को पूरी तरह, और किस तरह उनका क्या रोल रहता है हीरा मंडी में, जो औरतें रहती हैं उनका क्या आज़ादी के हवाले से उनका क्या रोल होता है, चाहे वो हीरा मंडी को चला रही है लेकिन उनका उनके कंट्री के साथ जो मतलब वफादारी है उसमें, यानी कि एक एग्जाम्पल बना के रखी है कि हम जो मर्जी हो इंकलाब लाएंगे, आज़ादी के लिए हम कुछ भी करेंगे, और अंग्रेज़ों से आज़ादी में उनका एक रोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सीज़न। अच्छा, ये समरी मैंने सुनी है लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि कैसा लगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने उसके कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखे थे, डिफरेंट रील्स में आ रहा था, इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे आ रहा था, तो बाकी देखो मैंने भी वहां से देखा। मौसम जमूर में वो गुल भी खिले हैं जो साहिब आलम की हिमायत नहीं करते। मैंने एक पाकिस्तानी मौलवी का वीडियो देखा है ट्विटर में, वो भी एक बॉय के साथ। अच्छा यार, ये मेरे ख्याल से वो कोई हरासमेंट वाला सीन है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हर आए दिन वायरल होती रहती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसे बहुत से केसेस निकलते रहते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये चीज़ कहीं भी हो, चाहे मस्जिद में हो, मंदिर में हो, चर्च में हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, गुरुद्वारे में ही क्यों ना हो, गलत जो है ना वो हर जगह गलत है, और इस चीज़ को हम लोग कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते यार। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होना चाहिए ऐसा, ना बच्चों के साथ, ना बड़ों के साथ, ना औरतों के साथ, ना मर्दों के साथ। ये तो पाकिस्तान में आम बात है यार, पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में आम बात हो गई है। पाकिस्तान हाँ, इस्लामिक कंट्री होते हुए पाकिस्तान ये सब कर रहा है या पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो यस, हम कंडेम करते हैं इस बात को, हमें इसके खिलाफ जो है ना खड़े होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। संजय लीला, हेलो महवेश, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। एकदम से यार इंटरनेट आज तो साथ नहीं दे रहा, यकीन करो। आ रही है मुझे आवाज़, आ रही है बाबा। अच्छा, मेरे पेपर थे फिर भी मैं इस सीजन को, मैंने इसके एपिसोड जो है ना पूरे देखे हैं,
और मैंने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि मैं पहले अब पेपर को साइड, पेपर की तैयारी जो है वो साइड पे करूंगी, पहले इसको पूरा देखूंगी। कोई कह रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम कब हो गए, सब लोग कन्वर्टेड हो? यार इस बारे में तो मैं डिटेल्स इतनी ज्यादा नहीं जानती, इसलिए कुछ भी कहना जो है ना। वेयर इज अभिषेक सर? जी अभिषेक सर, हाँ जो लोग बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बता दूं, अभिषेक सर नहीं मेरे साथ लाइव आना था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कहीं जाना पड़ गया, वो आज नहीं आ सके। कल का लाइव हम लोग इंशाल्लाह अभिषेक सर के साथ ही करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। रिवाहा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, शैल वी गो फॉर अ कॉफी? रिवाहा कॉफी की ऑफर आई है, बताएं आप रिजेक्ट करेंगी एक्सेप्ट करेंगी? चलते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं यूट्यूब पे वीडियो मैं जो कल अब लाइव करूंगी ना, उसमें एक कॉफी का कप साथ रखूंगी, तो आप लोग अपनी तरफ पिएगा, यहाँ पर बैठी पी कोई कह रहा है लेंगे। मेविश यू आर वेरी क्लेवर, यू नो द मैटर ऑफ पीओके कश्मीर? यार मुझे वाकई नहीं पता, अगर पता होता तो मैं उसको डिस्कस करती। मुझे वाकई कश्मीर में जो सिनेरियोस हो रहे हैं नहीं पता। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखोगे कल जो मैं व्लॉग डालूंगी, आप लोग आइडिया हो जाएगा कि मैं प्रीवियस तमाम डेज में टूर पे थी। तो मैं मरी कंपेन के लिए गई हुई थी, एक रमादा होटल है उसकी कंपेन के लिए गई हुई थी मैं मरी, तो मैं लाहौर में नहीं थी, मैंने इसलिए कोई भी न्यूज़। और उन इलाकों में थोड़ा इंटरनेट भी इशू कर रहा होता है, स्लो चल रहा होता है, ये तो है खैर एक बहुत बड़ी वजह। बहुत से नदरन एरियाज में जो है ना हमारा इंटरनेट नहीं चलता, जिसकी वजह से बंदा अप टू डेट नहीं रह सकता। अच्छा महवेश, जी हम इस लाइफ को थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर लेंगे क्योंकि हाँ ना। हाँ कोई कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज थोड़ा मुझे वो हो रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि एक तो इतने दिनों के बाद आके अच्छा लग रहा है, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि बहुत कम लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। वरना इतने टाइम में अगर मेरा 20 मिनट का लाइव होता था ना, तो मेरा 1000 व्यूज क्रॉस लाइव जो है ना, 1000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया होता था। तो आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने कंटेंट छोड़ा, ब्रेक ली बहुत लंबी, स्टॉप किया, वजह चाहे जो भी थी आई शुडेंट लेट दीज थिंग्स गो लाइक दिस वे, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बाकी आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है साथ, चैनल को लाइक शेयर, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन से कर दें, मेरे ब्लॉग्स को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को उससे हमारी डेली लाइफ पाकिस्तान में गुजरती हुई जिंदगी का पता चलता रहेगा। अदर देन दैट डेली शाम को 5 से 8 के दरमियान किसी भी टाइम हम लोग लाइव करेंगे, मैं जो है ना कम्युनिटी डाल दिया करूंगी, उसको देख के आप लोगों ने ट्यून्ड रहना है, जस्ट स्टे ट्यून्ड और लाइव जरूर ज्वाइन करना है। लाइव में आज तो हम लोगों ने ऐसे कैजुअल सा लाइव रखा था, हम किसी अच्छे से टॉपिक पर डिस्कस किया करेंगे जैसे पहले करते थे, किसी अच्छे से टॉपिक पर डिस्कशन किया करेंगे जो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करने के लिए इस वीडियो के बाद भी आप लोग इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, फर्दर आने वाले टाइम में क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करने चाहिए, उन तमाम चीजों को लेके आप लोग हमें जो है ना रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे हमें गेस्ट को दें इजाजत, बाय बाय। विवाह कुछ कहना चाहोगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि महविश के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा मेरी दुआएं इनके साथ है और ये बहुत ज्यादा तरक्की करें और खुश रहें। क्या हुआ? इसके चैनल को भी हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस तरह हम लाइव प्रोग्राम आने वाले टाइम में मजीद कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सब ने बहुत, मतलब हमने इतने गैप के बाद भी जो ज्वाइन किया उसके बाद भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी मैं सारों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबके लिए, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया। और हमें पता है कि कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारी ऑडियंस हमेशा हमारे साथ रहती है और जिसका हमें बहुत ज़्यादा सुकून रहता है और खुशी रहती है, और इनकी सपोर्ट की वजह से ही है हम जो हैं, इतनी मोटिवेशन आती हैं जो दोबारा काम करने के लिए आती हैं। कोई विक्की जी कह रहे हैं तुम अपने हाथों से अपने चैनल की वाट लगाए हो, आप सही कह रहे हैं वाकई, आई टोटली अग्री, लेकिन मैंने खराब की है तो इस चैनल को मैं ही दोबारा ठीक करूंगी। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, मैं घबरा रही हूँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों ने सपोर्ट करना है, साथ रहना है, हम लोग अच्छे से कॉन्टेंट पे तो फिर से काम शुरू करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज करेंगे, फिर से उसी तरह हम गेस्ट को भी बुलाएंगे, उनसे डिस्कशन भी करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। लेकिन मेरे ब्लॉग्स को देखना नहीं भूलना है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि व्लॉग्स एक तो मेरा शौक भी था बहुत टाइम से कि यार मैं भी डेली लाइफ व्लॉगिंग करूं, और उसके लिए अलग चैनल बनाना और उस पर फिर जीरो से इतनी मेहनत करना, तो आई थॉट कि ये जो ऑडियंस बनी हुई है इसको भी वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मैं एक अलग चैनल पे करूंगी, तो इसलिए मैंने इसी पे स्टार्ट कर लिया। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को भी जरूर देखते रहना, मॉर्निंग में व्लॉग डालूंगी, इवनिंग में लाइव करूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू
ज्वाइन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और महविश नाज और इब्राहिम इमरान का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग लगी होगी। जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने हमारे देश भारत के बारे में बात तो की पर ये ज्यादा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने से बचती रही और आपने देखा ये अपने लफ्जों का जो चुनाव है वो काफी संभल के कर रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पत्रकारों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।